नमस्कार दोस्तों, किसान भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आपको आज दिखा रहे हैं, पपीते की खेती के बारे में जानकारी भी देंगे। और ये हमारा रेड लेडी 786 पपाया लगा है, देख सकते हैं 3 से 4 महीने का हो गया है और इसका जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से आया है। और दोस्तों, जो हमारा पीछे का पार्ट देख रहे हैं, अभी हम आपको वहाँ भी दिखाएंगे, वहाँ भी हमारा नर्सरी अभी हम डालेंगे इसका। 15 जून को हम इसकी नर्सरी बनाएंगे और सितंबर में फिर से लगवाएंगे रेड लेडी 786। जो हमारा पार्ट आप ए वाला देख रहे हैं, ये हमारा पूरा रेड लेडी 786 लगा है। और इसमें एक फसल और हमने पहले की थी ताइवानी खरबूजे की, जो कि काफ़ी वीडियो हमने डाली थी यूट्यूब पर, आप लोगों ने देखी भी होंगी। तो इंटर क्रॉपिंग हमारा काफ़ी बढ़िया रहा पपीते के साथ साथ में। और ये भी कह सकते हैं कि खरबूजे के साथ में हमने पपीते की खेती की है, ये भी कह सकते हैं आप लोग। तो जो इसका रिस्पांस हम लोगों को मिला है प्लांटेशन का, काफ़ी बढ़िया तरीके से मिला है और ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से है। और जो इसका प्रोडक्शन आएगा काफ़ी बढ़िया तरीके से आएगा। इसका प्रोडक्शन तो खैर हम लोग देख चुके हैं, काफ़ी बढ़िया आता है रेड लेडी 786 का। अभी स्प्रे हम करवा रहे हैं, स्प्रे हो रही है सागर का की स्प्रे करवा रहे हैं एफको कंपनी की। सागर का की स्प्रे से होता है क्या है, किसान भाइयों ग्रोथ बढ़िया देता है, नीचे से मोटाई आएगी और ग्रोथ हम लोगों का बढ़िया रहता है इसमें। और बरसात का मौसम आने वाला है तो ग्रोथ तो वैसे भी आएगी, हल्की हल्की बारिश होती रहेगी और टेम्परेचर भी यहाँ का 42 के लगभग है, तो शाम हो गई है तो कम है थोड़ा। फिर भी अभी हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, हम आपको दिखाएं काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारा रेड लेडी 786 पपाया चल रहा है। और जो भी किसान भाई खेती करना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पर लास्ट में शो होता है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी हम अपना नंबर डाल देंगे, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो जो खरपतवार आता है उसको जो नष्ट करवा दें, पावर ड्रिलर से करें नहीं तो गुड़ाई करवा दें, किसी से भी फावड़े से भी गुड़ाई करवा सकते हैं। जैसे कि हम पावर ड्रिलर से गुड़ाई करवा रहे हैं, इससे क्या है इंसेक्ट आते हैं, बैक्टीरिया और कीट पतंगे भी आती है खरपतवार में और रोग लगते हैं हमारे पपीते में। इसलिए हम लोग गुड़ाई करवा रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी तरह के कीट पतंगे आते हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग हर महीने में एक बार गुड़ाई यही करवाते हैं। जो जिस किसान भाई के पास पावर ट्रेलर की सुविधा नहीं है तो वो हाथ से भी गुड़ाई करवा सकता है, क्योंकि बहुत कई तरह के कीटाणु आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रोग फैलाते हैं हमारे प्लांट को, उससे काफ़ी तरह के वायरस भी आते हैं, इसलिए खरपतवार को कैसे भी आप नष्ट करवाते रहें। और इसमें मेडिसिन ही डलवाएं, मेरा 71, कई किसान भाई मेरा 71 डलवा देते हैं, बिल्कुल मैं डलवाएं पपीते की, अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं मेरा 71 का यूज ना करें, केवल गुड़ाई करवाएं बस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं रेड लेडी पपाया 786 और इसका 3 से 4 महीने का हो गया है, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और पत्ते भी इसके काफ़ी, जो क्रॉप नई क्रॉप निकल रही है काफ़ी ज़्यादा निकल रही हैं।
और आज हम आपको पूरी फील्ड दिखाएंगे अपनी, कहाँ कहाँ हमने प्लांटेशन इसका किया है। और जो भी मित्र खेती कर रहे हैं रेड लेडी 786 की, तो वो भी किसान कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम लोगों की हमारी ग्रोथ प्लांट की कैसी है, क्या है। और इस पर हमने ताइवानी खरबूजे के बीच बीच में लगवाए थे पपीते, जो हमारा लगभग पूरा बिथ नर्सरी के अगर कहें तो 4 महीने का हो गया है। और इसमें अभी स्प्रे भी हम करवा रहे हैं, हिट सेल का यूज कर रहे हैं और सागर का भी स्प्रे करवा रहे हैं। सागर का प्लांट को ग्रोथ देता है बढ़िया कंपनी का, इफ्को कंपनी का है, बढ़िया है। इसका जो रिजल्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और पहले भी हमने सागर का की स्प्रे करवाई थी और जो इसका ग्रोथ है काफ़ी बढ़िया तरीके से है। और दोस्तों ओरिजिनल रेड लेडी 786 आज आप देख रहे हैं। और अभी इसकी स्प्रे करवा रहे हैं, स्प्रे आप जब भी करवाएं, कोई भी स्प्रे करवाएं, शाम को 5 बजे के बाद करवाएं और सुबह 7 बजे के पहले टेम्परेचर, क्योंकि ठंडक में स्प्रे करवानी चाहिए। लू लपट का भी टाइम है, मई चल रही है, मई जून जून चल रही है, इसलिए जो भी स्प्रे करवाएं शाम को करवाएं। और जो भी आप पानी दें शाम को ही दें, 5 बजे के बाद ड्रिप के माध्यम से हम पानी देते हैं। और अभी हमारा जो बेल्ट आप देख रहे हैं बीच बीच में, इसमें हम कद्दू लगा रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग हमारा रहेगा इसमें और पपीते भी चलते रहेंगे। जो भी किसान भाई खेती करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। और इसका एक टाइमिंग रहता है फरवरी मार्च और दूसरा टाइमिंग रहता है जून जुलाई अगस्त। जून में नर्सरी का टाइमिंग रहेगा और अगस्त सितंबर में आप प्लांटेशन लगा सकते हैं। मई में भी आप नर्सरी कर सकते हैं, मई निकल गई है, जून में कर सकते हैं। और जो भी आप खेती करें पहले खेत की तैयारी करें, बढ़िया तरीके से जुताई करें और पाटा चलवाएं, मिट्टी को भुरभुरा करें। खेत हमारा भरने वाला नहीं होना चाहिए, अगर भरने वाला खेत है उसमें कंप्यूटर लेवल करवाएं जिससे कि बरसात का पानी ना रुके। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। और इसकी मैं हर महीने की वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। आज 5 तारीख है जून 2020 और हर महीने की मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कैसा चल रहा है हमारा प्लांटेशन। अगर दिखाई दे तो हम आपको दिखा देंगे। स्प्रे करवा रहे हैं उसकी सेल की, दिखा देते हैं अगर दिख जाए आप लोगों को। जी है, पत्तियों को चूसता है और छेद कर देता है। इसके लिए आप सबसे बढ़िया हिट सेल रहता है आपका, 1 15 लीटर टंकी में 20 ml गिरता है उसमें। और इसी में हमने सागर का भी मिक्स कर दिया, तो दोनों स्प्रे हमारी एक बार में ही हो रही है। और स्प्रे करवा रहे हैं, स्प्रे हो रही। तो हिटसेल जो है कीटनाशक है और जो हम लोगों के में कीट लग जाती है उसे नष्ट करेगा, मारेगा।
और जो सागर का हमने मिक्स किया है वो हम लोगों के प्लांटेशन में ग्रोथ देगा। तो एक ही बार में ही हम दोनों स्प्रे मिक्स करके डाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और जो भी किसान मित्र खेती कर रहे हैं तो अगल बगल खेत में जुताई करते रहें, पावर टिलर से कर लें, नहीं तो जो खरपतवार आता है इसमें काफ़ी तरह के रोग लगते हैं प्लांटेशन में, पपीते में। इसलिए खरपतवार जब भी आए तो एक दो बार गुड़ाई जरूर करवा लें, जैसे कि अभी हमने पावर टिलर से करवाई थी, आप भी करवा लीजिए। कोई भी रोग नहीं लगना चाहिए रेड लेडी पपाया 786 में। इसमें जो वायरस होता है काफ़ी जल्दी आ जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान दें, जो भी पपीते की खेती करते हैं या करना चाहते हैं, खरपतवार नहीं आना चाहिए। जैसे कि हमारे में आप देख सकते हैं अभी गुड़ाई हो गई है और दो तीन दिन में ये भी सूख जाएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में यूँ बताया करें कि हमारा रेड लेडी 786 आप लोगों को कैसा दिख रहा है और इसका ग्रोथ कैसा है, क्या दिक्कतें आई हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी रहती है वो 5x5 रहती है और हमारी जो लाइन की दूरी है वो 6x6 है। 6x6 इसलिए है क्योंकि इसमें हमने ताइवानी खरबूजे की खेती की थी और भी खेती करेंगे, इसमें हमारा रोटोवेटर घुस जाता है छोटे वाला, तो उस हिसाब से हमने अपना किया। एरिया भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था और जो भी किसान मित्र अगर खेती कर रहे हैं तो 5x5 में भी आप खेती कर सकते हैं और 6x6 में भी कर सकते हैं। और जो भी किसान मित्र इंटरक्रॉपिंग फसल लेना चाहते हैं पपीते के साथ में, बिल्कुल ले सकते हैं, हम भी ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। पपीता एक हमारी साइड इनकम है, धीमे धीमे बढ़ता रहेगा और हम फसल से इनकम लेते रहेंगे। इसलिए अभी जो बरसात का समय है इसमें आप कौन कौन सी फसल ले सकते हैं बता देता हूँ। कद्दू, लौकी, बेल वाली जो भी आपकी फसल है सारी फसल आप ले सकते हैं बेल वाली। और बेल वाली तो ले ही सकते हैं और अमरूद ले सकते हैं आप, लेकिन इसमें अमरूद नहीं आएगा। अगर पपीते की खेती नहीं कर रहे हैं तो अमरूद लगा सकते हैं, और पपीते की खेती कर रहे हैं तो बीच बीच में इंटरक्रॉपिंग कौन कौन सी फसल आएंगी वो हम आपको बता देते हैं। बेल वाली कोई भी फसल आपकी आ जाएगी, टमाटर से लेके हर फसल आप कर सकते हैं, कद्दू भी कर सकते हैं, मिर्च भी कर सकते हैं। और किसान मित्र इंटरक्रॉपिंग फसल आप ज़रूर करें क्योंकि जो आप एक इनकम है वो आप हर दूसरे महीने में आप ले सकते हैं, दो दो महीने तीन तीन महीने की फसल रहेगी। कद्दू भी हमारा 75 से 90 दिन की फसल रहती है, तो बिल्कुल आप लीजिए, हमारा प्लांटेशन का ग्रोथ भी बढ़ता रहेगा और एक साइड में इनकम लेते रहेंगे। दोस्तों आपको रेड लेडी पपाया 786 के बारे में हमने जानकारी दी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारा जो प्लांट चल रहा है उसमें क्या क्या और अच्छा करें हम कमेंट बॉक्स में उसकी भी जानकारी आप लोग भी दिया करें, जिससे आने वाली वीडियो में अन्य किसान भाइयों को हम उसकी जानकारी दें। और दोस्तों अगर आप लोगों को सीड चाहिए रेड लेडी 786 का तो हमारे ज़रिए भी आप खरीद सकते हैं, ऑल इंडिया में आप किसी भी कोने में हमसे सीड ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। इंडिया मार्ट से अगर बुकिंग आप करवाएंगे तो त्रिपाठी एग्रीकल्चर आपको सर्च करना है, वहां से भी आपको बुकिंग के लिए लिंक मिल जाएगी और वहां से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको गूगल से एग्री फार्मिंग से करना है तो गूगल पे भी आप सर्च करेंगे त्रिपाठी एग्रीकल्चर, वहां से भी आपको बुकिंग के लिए मिल जाएगा, वहां से भी आप बुकिंग करा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके भी बुकिंग करा सकते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें।
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।